जिसमें अभी हम भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणों को जान रहे थे। मुस्लिम आक्रमणों में अभी हमने अरब आक्रमणों को पूरा समझ लिया है। अरब आक्रमण में हमने जाना, अरबों के आक्रमण में पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में हुआ। उसके बाद दूसरा अरब आक्रमण भारत पर नागभट्ट प्रथम के समय हुआ और भारत पर तीसरा अरब आक्रमण बापा रावल के समय हुआ। तो अरब आक्रमणों से संबंधित अपनी कंप्लीट जानकारी पूरी हो चुकी है। आज हम मुस्लिम आक्रमण में दूसरा आक्रमण तुर्कों का आक्रमण समझेंगे। तो इसको जाने, भारत पर मुस्लिम आक्रमण में अरबों का आक्रमण ये अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हमें मुस्लिम आक्रमणों में भारत पर जो दोबारा दूसरा आक्रमण हुआ वो हुआ तुर्कों का, जिसको तुर्क आक्रमण कहते हैं, तुर्क आक्रमण। तो आज हम जानेंगे मुस्लिम आक्रमण में तुर्क आक्रमण के बारे में। अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण में जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि अरब आक्रमणकारी भी मुसलमान थे और तुर्क आक्रमणकारी भी मुसलमान थे। दोनों ही ये मुस्लिम थे, तो ये मुस्लिम आक्रमणों में आते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि ये तो मुसलमानों की अरब जाति से संबंधित थे और ये मुसलमानों की तुर्क जाति से संबंधित थे। दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन ये अरब जाति के मुसलमान, इसलिए इनको अरब का आक्रमण बोला गया, और ये तुर्क जाति के मुसलमान, तो इनको तुर्क आक्रमण बोला गया। अरब जाति के जो मुसलमान थे वो सऊदी अरब क्षेत्र की तरफ के थे, जबकि तुर्क जाति के जो मुसलमान है वो तुर्की देश, इसको टर्की भी कहते हैं, यहां के मुसलमान थे। तो सऊदी अरब के आसपास के जो मुसलमान हैं वो अरब जाति के मुसलमान कहलाते हैं, उनका आक्रमण भारत में अरबों का आक्रमण कहलाता है। और तुर्की और उसके आसपास के क्षेत्रों के जो मुसलमान हैं वो तुर्क जाति के मुसलमान कहलाते हैं, तो उनका भारत पर आक्रमण तुर्क आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो आज हम मुस्लिम आक्रमण में तुर्क आक्रमण, भारत में अरबों का आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ और तुर्कों का आक्रमण 10वीं शताब्दी में हुआ। भारत में अरबों का आक्रमण 8वीं शताब्दी में हुआ, उसके बाद 2 शताब्दी तक भारत मुसलमानों के आक्रमण से बचा रहा। 2 शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी में वापस मुसलमानों का तुर्क आक्रमण हुआ। तो 2 साल मुस्लिम आक्रमणों से बचने के बाद भारत में दोबारा से 10वीं शताब्दी में तुर्कों का यानी मुसलमानों का आक्रमण हुआ। अरबों का आक्रमण 8वीं शताब्दी में और तुर्कों का आक्रमण 10वीं शताब्दी। आक्रमण से बचने के बाद 10वीं शताब्दी में वापस मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, जो आक्रमण तुर्क आक्रमण के नाम से जाना गया। तो आज हम इसी तुर्क आक्रमण को विस्तार से समझेंगे। भारत में तुर्कों का आक्रमण 10वीं शताब्दी में शुरू हो गया था और लंबे समय तक चलता रहा था। तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले हम जानेंगे सुगुप्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान सुगुप्तगीन था। सुगुप्तगीन ने ही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था।
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुगुप्तगीन नाम के शासक ने किया। सुगुप्तगीन गजनी का शासक था। गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी का शासक था सुगुप्तगीन। इस मुस्लिम शासक ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया, तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुगुप्तगीन को माना गया है। सुगुप्तगीन ने 977 ईस्वी में भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया। सुगुप्तगीन ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच गया। और भारत के क्षेत्र पेशावर, आज के समय पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पेशावर भारतीय राज्य का ही एक क्षेत्र था, पेशावर पर अधिकार कर लिया। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण सुगुप्तगीन ने किया 977 ईस्वी में। आक्रमण करते हुए सुगुप्तगीन भारत की उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच गया और भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित पेशावर नगर पर अधिकार करके भारत में तुर्क आक्रमण को सफल किया। सुगुप्तगीन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र इस्माइल इस्माइल शासक बना। इस्माइल ने भी भारत पर आक्रमण किया। इस्माइल ने पेशावर क्षेत्र पर तो इस्माइल का अधिकार रहा ही, इसके अलावा इस्माइल ने भारत के मुल्तान क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सुगुप्तगीन का पुत्र इस्माइल अगला तुर्क शासक बना। इस्माइल ने भी भारत पर आक्रमण किया और भारत के मुल्तान क्षेत्र पर अधिकार करके इस मुल्तान क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम इस्माइल वंश की स्थापना। सुगुप्तगीन के पुत्र इस्माइल ने भारत के मुल्तान क्षेत्र पर अधिकार करके मुल्तान क्षेत्र में इस्माइल वंश की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार भारत में प्रथम तुर्क वंश इस्लाम वंश की इस्माइल वंश की स्थापना सुगुप्तगीन के पुत्र इस्माइल ने की। इस्माइल की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र इस्माइल का पुत्र अगला गजनी का शासक बना महमूद। गजनवी इस्माइल की मृत्यु के पश्चात गजनी का अगला शासक बना उसका पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक बनकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ वो भारत का प्रथम शक्तिशाली तुर्क आक्रमण माना जाता है। महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने महत्व को ज्यादा बढ़ाने वाला शासक था। गजनी का शासक बनने के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और
1001 ईस्वी में भारत में पहला आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत से धन संपदा प्राप्त करने के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किए उन आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य भारत से धन संपदा प्राप्त करना था। शुरू शुरू में भारत पर जितने भी तुर्क आक्रमण हुए, चाहे वो सुगुप्तगीर ने किया या इस्माइल ने किया या मोहम्मद गजनवी ने किया, इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत से धन संपदा प्राप्त करना ही था। हालांकि इस्माइल ने भारत के मुल्तान क्षेत्र पर इस्माइल वंश की स्थापना जरूर की, लेकिन उसका भी मुख्य उद्देश्य धन संपदा प्राप्त करना ही था। इसी प्रकार आगे जो बड़ा आक्रमण हुआ महमूद गजनवी द्वारा, उसका भी प्रमुख उद्देश्य भारत से धन संपदा प्राप्त करना ही था। तो भारत से धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत से धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में किया गया था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने पेशावर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पहले आक्रमण में गजनवी ने भारत के पेशावर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पेशावर क्षेत्र पर सुगुप्तगीन ने भी अधिकार किया था, लेकिन बाद में सुगुप्तगीन की मृत्यु के बाद में स्थानीय शासकों ने पेशावर पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया और उस आक्रमण में पेशावर क्षेत्र को दोबारा से अपने अधीन कर लिया। महमूद गजनवी का जो भारत में सबसे कुख्यात और जो सबसे भयानक आक्रमण हुआ वो उसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण सबसे कुख्यात आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, उनमें से जो सबसे कुख्यात आक्रमण था महमूद गजनवी का भारत पर वो उसका 16वां आक्रमण था। ये 16वां आक्रमण उसने 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया, ये भारत पर हुआ महमूद गजनवी का सबसे कुख्यात आक्रमण था। इस आक्रमण के समय ये जो 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, यह आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत के क्षेत्र सोमनाथ मंदिर पर किया था। भारत के क्षेत्र सोमनाथ नगर में सोमनाथ मंदिर है, इस सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी का। उस समय सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। 16वें आक्रमण के समय इस गुजरात क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक था भीमदेव प्रथम। 16वें आक्रमण के समय इस क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक भीमदेव प्रथम था, इसका शासन था। तो भीमदेव प्रथम के समय महमूद गजनवी ने भारत से अधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सोमनाथ का जो स्वर्ण मंदिर है गुजरात में, इस सोमनाथ के स्वर्ण मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया।
उस समय सोमनाथ क्षेत्र का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक भीमदेव प्रथम था। तो भीमदेव प्रथम के समय महमूद गजनवी का भारत पर सबसे कुख्यात आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया। इस आक्रमण में भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया। जब भीमदेव प्रथम को यह पता चला कि महमूद गजनवी एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो भीमदेव प्रथम महमूद गजनवी की शक्तिशाली और बड़ी सेना को देखकर घबरा गया और उसने महमूद गजनवी को टक्कर देने की बजाय वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ अपनी राजधानी सोमनाथ को छोड़कर भाग गया। तो इस प्रकार सोमनाथ बिल्कुल असहाय सा हो गया और इस खाली सोमनाथ नगर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया 1025 ईस्वी में। लेकिन फिर भी भीमदेव प्रथम के जाने के बाद में भी सोमनाथ नगर की जो सामान्य जनता थी उसने सोमनाथ नगर को नहीं छोड़ा। भीमदेव प्रथम के कुछ सैनिक और सोमनाथ नगर की सामान्य जनता हथियार लेकर खड़ी हो गई और महमूद गजनवी का सामना करने के लिए तैयार हो गई। सोमनाथ नगर की सामान्य जनता का ये विश्वास था कि सोमनाथ भगवान उनकी रक्षा करेंगे। इसी विश्वास के साथ सामान्य जनता और कुछ सैनिक महमूद गजनवी का मुकाबला करने के लिए खड़े हुए। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी बड़ी सेना लेकर सोमनाथ नगर में आ गया और उसने आक्रमण किया। फरिश्ता नाम के एक इतिहासकारक हैं, उनके द्वारा महमूद गजनवी और सोमनाथ की सामान्य जनता के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया गया कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ नगर पर आक्रमण किया तो भीमदेव प्रथम तो वहां से भाग गया, लेकिन वहां की जनता ने महमूद गजनवी की सेना को टक्कर दी। इस टक्कर में जो पहला युद्ध हुआ, जो पहले दिन युद्ध हुआ, उस पहले दिन के युद्ध में सोमनाथ की सामान्य जनता ने महमूद गजनवी की जनता को टक्कर देके उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन वापस महमूद गजनवी की सेना सोमनाथ नगर में पहुंचने के लिए आई तो दूसरे दिन भी सामान्य जनता और सैनिकों ने महमूद गजनवी की सेना को रोक लिया। उसके बाद तीसरे दिन वापस महमूद गजनवी की सेना और सोमनाथ नगर की जो सामान्य जनता और सैनिक थे उनके बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। इसमें भी शुरू शुरू में तो सोमनाथ नगर की सामान्य जनता ही जीतती हुई प्रतीत हुई, लेकिन जब युद्ध थोड़ा लंबा खींचा तो महमूद गजनवी की शक्तिशाली और बड़ी सेना के सामने सामान्य जनता और कुछ एक सैनिक नहीं टिक सके और अंत में जीत महमूद गजनवी की हुई। जीत होने के बाद में महमूद गजनवी ने सोमनाथ नगर पर अधिकार कर लिया। अधिकार हो जाने के पश्चात महमूद गजनवी ने सोमनाथ नगर की जो सामान्य जनता थी उसका कत्लेआम करने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया। सैनिकों को जैसे ही महमूद गजनवी ने सामान्य जनता को मारने का आदेश दिया, लगभग दो एक घंटे में ही 50,000 सामान्य पुरुष और स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी एक क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसने भारत की धन संपदा को लूटने के लिए भारत के सामान्य जनता को भी नहीं छोड़ा। सोमनाथ मंदिर पर अधिकार करने के पश्चात सोमनाथ नगर में महमूद गजनवी ने कत्लेआम भी किया। जनता को मारने के बाद महमूद गजनवी स्वयं मंदिर में गया और सोमनाथ के स्वर्ण मंदिर को खूब उसने लूटा। लूटने के बाद सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और स्वयं मोहम्मद गजनवी ने
सोमनाथ भगवान की जो मूर्ति थी उसके तीन टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उसने गजनी मक्का और मदीना क्षेत्र में भिजवा दिए और आदेश दिया कि इन टुकड़ों को गजनी मक्का और मदीना में जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया जाए। ऐसा ही किया गया और उसके आदेश पर सोमनाथ भगवान की मूर्ति के टुकड़ों को इन तीन नगरों में भिजवाकर गाड़ दिया गया। 16वें आक्रमण में महमूद गजनवी को बहुत सारी धन संपदा प्राप्त हुई। यह धन संपदा लेकर महमूद गजनवी वापस अपने राज्य गजनी में लौट रहा था तो उसकी लौटती हुई सेना का समाचार जब सिंध के जाटों को मिला, सिंध क्षेत्र से महमूद गजनवी की सेना धन संपदा लेकर लौट रही थी। जब सिंध क्षेत्र के जाटों को इस बात का समाचार मिला कि महमूद गजनवी भारत के स्वर्ण मंदिर सोमनाथ को तोड़कर भारी धन संपदा लेकर लौट रहा है तो जाटों ने सिंध क्षेत्र में महमूद गजनवी की सेना का रास्ता रोक लिया और महमूद गजनवी की सेना को लूट लिया। तो इस प्रकार महमूद गजनवी की लौटती हुई सेना के बीच सिंध के जाटों ने युद्ध किया और उसके बहुत सारे धन संपदा को सिंध क्षेत्र में ही लूट लिया। इस प्रकार कुछ बचा हुआ धन संपदा लेकर महमूद गजनवी वापस अपने क्षेत्र गजनी में लौट गया। दो साल की तैयारी करने के बाद महमूद गजनवी ने अपना अंतिम 17वां आक्रमण वापस भारत पर किया। महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया गया। यह आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। सोलहवें आक्रमण में सिंध के जाटों ने उसकी लौटती हुई सेना को लूटा था और महमूद गजनवी को भारी क्षति पहुंचाई थी। इसी बात को लेकर सिंध के जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने 17वीं बार भारत पर फिर से आक्रमण किया। यह आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण में भी सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी को भारी क्षति पहुंचाई। इस क्षति से परेशान होकर अंत में महमूद गजनवी स्थायी रूप से गजनी लौट गया और उसने दोबारा से भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। तो इस प्रकार हमने जाना कि तुर्क आक्रमणों में भारत का जो सबसे कुख्यात और जो सबसे भयंकर और जो भारत को हानि पहुंचाने वाले आक्रमण हुए वो महमूद गजनवी द्वारा किए गए थे। महमूद गजनवी ने भारत के किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किए अपितु वो भारत की धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण किए थे और अपने आक्रमणों में वो कई हद तक सफल भी हुआ था। तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से भारत को भारी आर्थिक दृष्टि से नुकसान उठाना पड़ा। महमूद गजनवी के बाद में उसकी मृत्यु के बाद में उसके पुत्र गजनी के शासक बने। उसके पुत्र ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध नहीं हुए जिसका फायदा उठाकर गोर वंश के शासक ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गोर वंश ये भी मुस्लिम वंश है। मुसलमानों की तुर्क जाति के अंदर ही गोर वंश है। ये मुस्लिमों का एक वंश है और तुर्क जाति के अंदर ही आता है। तो मुस्लिमों की तुर्क जाति के गोर वंश के शासक ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। अधिकार
कर लिया। ग्यासुद्दीन ने मोहम्मद गजनवी के जो उत्तराधिकारी आए उन उत्तराधिकारियों को हरा कर गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी पर एक नए तुर्क जाति के वंश गोर वंश की स्थापना की। इस ग्यासुद्दीन ने तो भारत पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार करने के पश्चात अपने छोटे भाई जिसका नाम है सियाबुद्दीन, ग्यासुद्दीन ने अपने छोटे भाई सियाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। यही सियाबुद्दीन आगे जाकर इतिहास में मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर सिद्ध हुए और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ही ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। 1173 ईस्वी में ग्यासुद्दीन ने मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारियों को हराकर गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पर अधिकार हो जाने के पश्चात ग्यासुद्दीन ने अपने छोटे भाई सियाबुद्दीन को गजनी का शासक बना दिया। सियाबुद्दीन ही आगे जाकर इतिहास में मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1191 और 1192 में दो बार भारत पर वापस से तुर्क आक्रमण किए, तो उसको हम विस्तार से जानेंगे। मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी ग्यासुद्दीन का छोटा भाई था और वो गजनी का शासक बन गया। गजनी का शासक बनने के बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए, तो मोहम्मद गोरी के भारत पर जो आक्रमण हुए उसके कारण निम्न है। मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के कारण निम्न बताए गए हैं। गोर वंश के शासक ग्यासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार करने के पश्चात गजनी का अगला शासक अपने छोटे भाई सियाबुद्दीन को बना दिया। सियाबुद्दीन आगे जाकर मईजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में इसको मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी ने गजनी पर शासन करने के बाद में गजनी का शासक बनने के बाद में भारत पर आक्रमण किए, तो मोहम्मद गोरी द्वारा जो भारत पर आक्रमण हुए वो भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव था। मोहम्मद गोरी पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण करके भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली थी। तो भारत में तुर्क अब तक मोहम्मद गोरी से पहले भी भारत में तुर्क आक्रमण हुए, लेकिन उन तुर्क शासकों ने भारत की धन संपदा को लूटा और वो वापस अपने क्षेत्रों में लौट गए। उन्होंने भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव नहीं डाली, लेकिन मोहम्मद गोरी पहला शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किए और फिर भारत पर गोर वंश की यानी तुर्क साम्राज्य की नींव डाली।
तो भारत पर पहली बार तुर्क साम्राज्य की नींव डालने वाला जो प्रथम शासक था वो मोहम्मद गोरी ही था। मोहम्मद गोरी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी भावना वाला शासक था। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और अपने महत्व को भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था। इसी वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत में पहली बार तुर्क साम्राज्य की नींव डालने में वो सफल भी हुआ। मोहम्मद गोरी का भारत पर 1191 और 92 में दो बार युद्ध हुए थे। उन युद्धों की चर्चा हम बाद में विस्तार से करेंगे। पहले हम जानेंगे कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे उन आक्रमणों के कारण क्या थे। तो कारणों में हम जानेंगे मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए और तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। तो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, उन कारणों को हम देखते हैं। तो पहला जो प्रमुख कारण हमारे सामने है वो है भारत से धन प्राप्त करना। भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रमण या विदेशी आक्रमण हुए उनका जो पहला और प्रमुख उद्देश्य होता था वो भारत से धन संपदा प्राप्त करना ही होता था, क्योंकि उस समय में भारत व्यापार वाणिज्य उद्योग और कृषि अन्य सभी क्षेत्रों में काफी विकसित और आगे बढ़ा हुआ देश था। तो भारत में धन संपदा बहुत ज्यादा थी। इसी धन संपदा से आकर्षित होकर ही भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे। तो जितने भी विदेशी आक्रमण हुए चाहे वो यूनानियों के हों या वो मुसलमानों के हों, उन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य हमेशा से ही धन प्राप्त करना ही था। मोहम्मद गोरी का भी जो पहला कारण था भारत में युद्ध करने का वो था भारत से धन प्राप्त करना। इसके बाद में दूसरा कारण हमारे सामने आता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बन चुका था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इस उद्देश्य से भी उसने गजनी के पूर्वी क्षेत्र यानी भारत की तरफ आक्रमण किया। तीसरा कारण था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। इस्लाम धर्म का प्रसार करना। मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम शासक था, वह मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था, उसको भारत के क्षेत्रों में फैलाना चाहता था, इसलिए भी उसने भारत पर आक्रमण किया। मुस्लिम शासकों ने किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण किया तो उनका उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रसार करना भी रहता था। मुस्लिम शासक हमेशा ही खलीफा के आदेशानुसार इस्लाम धर्म को विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैलाना चाहते थे, इसीलिए मुस्लिम शासकों ने विश्व के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किए थे ताकि वो इस्लाम धर्म के सूफियों और अन्य धर्मगुरुओं को भेजकर इस्लाम धर्म का प्रसार कर सके। मोहम्मद गोरी की भी यही भावना थी, वह भी इस्लाम धर्म का प्रसार भारत की तरफ करना चाहता था, इसलिए उसने इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए भी भारत पर आक्रमण किया। चौथा कारण था पंजाब में गजनवी और मुल्तान में इस्माइलियन
इस्मालिया वंश की समाप्ति करना। हमने पीछे की जानकारी में जाना है कि एक समय में इस्माइल नाम के शासक ने, जो तुर्क जाति का शासक था, उसने भारत की तरफ आक्रमण किया था और मुल्तान क्षेत्र पर इस्मालिया वंश की नींव डाली थी। उसके बाद में गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, भारत की धन संपदा को लूटा। उसने भी भारत के पंजाब क्षेत्र में गजनवी वंश की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गोरी गोर वंश का शासक था, वो तुर्क जाति के अन्य शासक गजनवी द्वारा गजनवी वंश और इस्मालिया वंश की समाप्ति करना चाहता था। वो गजनी क्षेत्र और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों पर गोर वंश की स्थापना करना चाहता था। तो भारत पर आक्रमण करने का उसका प्रमुख कारण ये भी था कि भारत के पंजाब क्षेत्र पर जो गजनवी वंश चल रहा था उसको, और मुल्तान क्षेत्र पर जो इस्मालिया वंश चल रहा था उसको समाप्त करना चाहता था। और इन स्थानों पर, पंजाब और मुल्तान स्थान पर भी वो गोर वंश को ही स्थापित करना चाहता था। इस उद्देश्य के चलते भी उसने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण भारत पर हुआ एक बहुत ही प्रमुख आक्रमण है। तो इस आक्रमण के भारत में प्रमुख कारण चार हैं। इन कारणों में हमने जाना, भारत से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए, पंजाब में गजनवी और मुल्तान में इस्मालिया वंश की समाप्ति करने के लिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। तो ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण के प्रमुख कारण हैं। अब हम मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण को विस्तार से जानेंगे। ये जानकारी हम बाद में देखेंगे।